अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर महमूद, आमिर महमूद स्पेशल में ज़िला डेरा इस्माइल खान के पीके पाकिस्तान से। तो आज मैं आ गया हूँ काके समोसे वालों के पास और हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन मैं आपको इनकी लोकेशन बता दूँ कि ये मेरे सामने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंबर 1 है और ये जो रोड जा रहा है इसे शालमाबाद रोड कहते हैं, जो दरिया के ऊपर जाके निकलता है। और ये मेरे राइट तरफ जो है ये पुलिस लाइन रोड है। ये देखें, डेरा इस्माइल खान का कोई ऐसा आदमी नहीं जो काके को ना जानता हो। तो ये समोसे बन रहे हैं और इनके समोसे में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये बहुत ही अच्छा ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं और ये ताज़ा ही समोसे बनाते हैं। और इनका समोसा जो है वो घर से बन के आता है। और इनके समोसे में सबसे बड़ी बात कि खस्ता होता है। इनके समोसों में सबसे जो ख़ास बात है वो एक तो इनका समोसा खस्ता होता है, मैदे की तह पतली होती है और आलू जो है उस पर बेहतरीन किस्म का मसाला लगा होता है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं होता। इसको बच्चे भी बड़े आसानी के साथ खा सकते हैं और बहुत पसंद करते हैं। सबसे ख़ास बात इनकी है जो इनकी गाढ़ी चटनी है जो समोसों के साथ ये देते हैं, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। मेरा नाम काका है और 40 साल हो गए तकरीबन। सब चीज़ जो होती है ना फ्रेश होती है। बस मैं पूछना चाहूँगा काके भाई से कि आपके समोसे जो है वो बोझ क्यों नहीं देते दूसरे समोसों की तरह? बोझ ये नहीं, इसलिए नहीं देते ना सर कि सब चीज़ फ्रेश होती है, तकरीबन सब ही ले जाते हैं। जी हाँ, दफ्तर हो गए, मतलब आम पब्लिक हो गई, जी हाँ स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट हो गए। बस टाइमिंग हमारी थोड़ी है, बस 10 से लेकर तकरीबन 2 बजे तक। आपका नाम काका किसने रखा? बस असल भी यही है और मतलब है कि ये वालदा ने रखा था। जी जी, आप ये बताएं कि चूंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है तो आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है? जी असर पड़ा है बिल्कुल, हर किसी पे असर पड़ा है सर। सब चीज़ महंगी हो गई है, सारे आइटम महंगे हो गए हैं, गुजारा हो जाता है, बस क्या करें आप। क्या तकरीबन आपका 1000 समोसा निकल जाता है? नहीं नहीं, कम निकलते हैं सर, हमारा टाइमिंग जो है ना वो बहुत थोड़ा है, 10 से 2 तक। आप ये बताएं कि ये समोसे में कौन सा मसाला जात इस्तेमाल करते हैं और चटनी जो आपकी है ये कौन बनाता है? कोई ख़ास भी नहीं है सर, बस ये आम चीज़ें डालते हैं, बस मैं खुद बनाता हूँ। जी जी, बस इसमें दही होती है और पुदीना होता है और हरी मिर्च होती है और इमली होती है, जीरा होता है। आपके समोसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, तो मैं चाहूँगा कि मेरे लिए प्लेट में एक समोसा और ग्रीन चटनी साथ डालें। जी जी, ये देखें नाज़रीन, हमारे पास ये गर्मा गर्म समोसा आ चुका है और साथ में ये ग्रीन चटनी है। तो मैं इसे जल्दी से फिनिश करता हूँ और आमिर महमूद को दीजिए इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत बहुत शुक्रिया।